गाइस अब स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि ये है हमें प्रूव करना है 2as इक्वल है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के। अगेन हम वैसे ही चलेंगे जैसे हम पहले हमने स्टार्ट किया था वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम गया ऊपर s इक्वल्स टू vt। कुछ भी नहीं करना है सिर्फ वेलोसिटी का आपने बताना है क्या फॉर्मूला है। हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर है vf प्लस vi अपॉन 2 के और टाइम बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए के। ये तो हम शुरू से करते हुए आए। अब किसी को कन्फ्यूजन है कि टी की वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये टी की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, हमने ऐसे इसको माइनस में लेके गए, ए यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगी टी की वैल्यू। कुछ भी नहीं करना है आपने v की वैल्यू और t की वैल्यू को पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन में। और t के बदले में vf माइनस vi अपॉन a, यानी कि इतना इजी ट्रिक है ये। एक बार वैल्यू प्लस में एक बार माइनस में, इधर 2 है और इधर a है। vf 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 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस vi और vi vi का स्क्वायर 2a। ये 2a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे आके प्रूफ हो गया। सिंपल सिर्फ दो या तीन स्टेप में आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। मगर इक्वेशन छोटी है इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोग इसमें वर्डिंग्स ना ऐड करें। वर्डिंग्स लाजमी लिखने होते हैं तब जाके नंबर पूरे मिलेंगे।